अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं रीट मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक विद एप्लीकेशंस। इसका चैप्टर हम 3 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं उसमें हमारे पास है फर्स्ट वन रैंडम वेरिएबल, सेकेंड वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ एच इज अ सैम्पल स्पेस विद अ प्रोबेबिलिटी मयर एंड एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक्स जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो, वो किस पे डिफाइन हो, सैम्पल स्पेस पे, देन एक्स इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे पास सैम्पल स्पेस होती है ये कलेक्शन होती है हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स की, ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। एंड प्रोबेबिलिटी का हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस ऑफ अक्रेंस। इसका फार्मूला हमें पता है, पी ऑफ एन इज इक्वल टू स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन। ये स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, और जो कैपिटल एन है ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद हमारे पास है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसकी कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर हो, उसको हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें हम रैंडम वेरिएबल जो है वो फाइंड करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, टू सॉक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रिमूव्ड इन सक्सेशन फ्रॉम अ ड्रॉअर कंटेनिंग 5 ब्राउन सॉक्स। हमारे पास 5 हैं ब्राउन सॉक्स हैं एंड 3 ग्रीन सॉक्स। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस लिखनी है, द क्रोस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, इनकी प्रोबेबिलिटीज एंड दे आर क्रोस्पॉन्डिंग वैल्यूज W। हमने देखना है W किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ द रैंडम वेरिएबल W, वेयर W इज द नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स। W हमारे पास क्या है, ये ब्राउन सॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमने W ही फाइंड करना है। हमारे पास जो ब्राउन सॉक्स हैं वो 5 हैं और ग्रीन सॉक्स कितनी हैं, 3 हैं। इनकी हम देख लेते हैं सैम्पल स्पेस क्या बनेगी हमारे पास, वो हमारे पास 5 + 3 = 8। उसके बाद है सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास जब हमने 2 सॉक्स सेलेक्ट करनी है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चांसेस हैं कि हमारे पास वो दोनों सॉक्स किस किस कलर की होंगी। या तो दोनों ग्रीन हो सकती हैं या फिर एक ग्रीन और एक ब्राउन हो सकती है, इनमें हमारे पास ऑर्डर भी मैटर करता है। या फिर पहले ब्राउन होगी और बाद में ग्रीन होगी, या फिर दोनों ब्राउन हो सकती हैं, ठीक है। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास फार्मूला हमें पता है, पी ऑफ एन इज इक्वल टू एन ओवर कैपिटल एन। कैपिटल एन हमें पता है वो हमारे पास 8 है, और यहाँ पे हमारे पास दोनों ग्रीन हैं, तो पहले हम फर्स्ट ग्रीन के लिए देखते हैं। फर्स्ट ग्रीन क्या है, 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, स्मॉल एन हमारे पास 3 आ जाएगा और कैपिटल एन क्या है, वो 8 आएगा। अब दूसरे ग्रीन के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास जो ग्रीन है वो 2 रह जाएंगी, और सैम्पल स्पेस में भी हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 7 रह जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 1 हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो जो बाकी रिमेनिंग जो है वो हमारे पास सैम्पल स्पेस 7 रह जाएगी। इसका हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, इसके लिख लेते हैं। पहली ग्रीन के लिए हमारे पास 3/8, ब्राउन हमारे पास कितनी है, 5, रिमेनिंग हमारे पास सैंपल स्पेस क्या रह जाएगी, जो कि हम 1 ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो बाकी हमारे पास 7 रह जाएगी। इसी तरह इसकी लिखेंगे, टोटल ब्राउन जो है इसकी 5 पॉसिबिलिटीज हैं, स्मॉल एन हमारे पास 5 आ जाएगा, और सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, 8 × ग्रीन हमारे पास क्या है, 3,
तीनों के चांसेस हैं हमारे पास और सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगी 7। दोनों ब्राउन के लिए, फर्स्ट वन के लिए 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं और सैंपल स्पेस क्या है 8। जब हम एक सेलेक्ट कर चुके हैं तो हमारे पास जो ब्राउन है रिमेनिंग 4 रह जाएंगे और सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या रह जाएंगी 7। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास क्या, किसको रिप्रेजेंट करता था, डब्ल्यू हमारे पास ब्राउन सॉक्स को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ब्राउन सॉक्स नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक ब्राउन सॉक्स है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक ब्राउन सॉक्स है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 ब्राउन सॉक्स हैं। अब हमने क्या यहाँ से फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है रैंडम वेरिएबल की, अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 पे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो इस पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 3/28। और अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 पे, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारे पास 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 15/56 प्लस 15/56। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, बैलेंस्ड कॉइन किस तरह के कॉइन होता है, एंड द क्रोस्पोंडिंग वैल्यूज एक्स। एक्स क्या है, क्रोस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। और हमें पता है ये कैपिटल एक्स हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, रैंडम वेरिएबल को। द टोटल नंबर ऑफ हेड्स, ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस लिखनी है, इसकी सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। नेक्स्ट वन, इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर एक्स अननोन वैल्यूज हेड। ये हमने सैंपल स्पेस लिख ली, 4 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं एट अ टाइम तो उनकी जो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स आती हैं वो हमारे पास 16 हैं। ठीक है, ये हमने इनकी सैंपल स्पेस लिख ली। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल, तो हर एक कॉइन पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है हेड आने की, तो इसमें जो है हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पी ऑफ एन इज इक्वल टू स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन, जबकि हम जानते हैं हमारे पास जो कैपिटल एन है वो क्या है 16। अब स्मॉल एन हमारे पास क्या है, हर एक कॉइन के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है हेड आने की, तो हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/16 सबके लिए हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/16 आएगी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, और हम जानते हैं एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, हेड्स को। यहाँ पे हमारे पास 4 हेड हैं, 3, फिर से 3 हेड्स, उसके बाद 2, फिर से 2। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास जो हेड्स हैं वो क्या हैं, ये हमारे पास टेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 हेड, फिर से 1। ठीक है, अब हमने अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पे,
तो हमारे पास थ्री कितने टाइम है, 1 2 3 4 फोर टाइम है, 4 ओवर कैपिटल N हमारे पास क्या है, 16, ये 4 ओवर 16 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है तो हमने काउंट कर लेना है 2 हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 ओवर 16। तो हमने देख ली, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल गिवन होता था, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे या फिर एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एक्स इज इक्वल टू 4 पे हमारे पास क्या आएगी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आएगी, 4 हमारे पास 1 टाइम है, 1 ओवर 16। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है रैंडम वेरिएबल की उसको हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, और ये दो एग्जांपल सॉल्व किए हैं।